डियर फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल हारमोनी बाय डॉक्टर दूरदर्शी सिंह। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा वीडियो है ये एक टेक्निकल वीडियो है जो कि रिलेटेड है वीडियो रिकॉर्डिंग पे। तो आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ऑडियो की या साउंड की अच्छी क्वालिटी कैसे ले सकते हैं, तो वीडियो देखने से पहले एक बार आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला है एक वीडियो का अपने, तो उस वीडियो को देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि लाइव रिकॉर्डिंग में भी हम कैसे ऑडियो की क्वालिटी जो है वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जब हम लोगों ने वीडियो डालना स्टार्ट किया था, सभी की यही स्टोरी होगी, तो हम लोग डायरेक्टली मोबाइल से या कैमरा से रिकॉर्ड कर लेते थे। तो उसमें एक नुकसान रहता है कि जब आप डायरेक्ट लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ड्यूरिंग योर प्ले, तो वो जो भी सराउंडिंग नॉइसेज हैं, अनवांटेड नॉइसेज, तो उनको भी वो कैच कर लेगा। जैसे पंखा चल रहा है, बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है, या जैसे कोई गाड़ियां चल रही हैं, तो वो सारी सारी की सारी जो आवाज़ें हैं वो आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी, तो रिकॉर्डिंग इतनी साफ नहीं होगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, तो मैं जो प्रोसीजर अडॉप्ट करता हूँ उसमें मैं ये करता हूँ कि ऑडियो को मैं अलग से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक छोटा सा ये सेटअप है, इसका मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। तो जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था ऑडियो रिकॉर्डिंग का अपना, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो मेरे पास ये जो कीबोर्ड्स हैं, ये एम्पलीफायर है, मिक्सर है, तो इनकी हेल्प से मैं इनपुट लेके, तो इनपुट को लैपटॉप में डाल के यूजिंग ऑडासिटी सॉफ्टवेयर, तो मैं वहाँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो खैर, वो भी अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो जैसे जिसको कंफर्टेबल लगता है, जो भी जिसका सेटअप है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑडियो के साथ वीडियो की जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो प्रोफेशनल ऑडियो आउटपुट वो कैसे लिया जाए। उसमें देखिए दो तरीके जो मेरी समझ में आते हैं। तो एक तरीका तो ये है जो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि मैं एडिटिंग पे इतना ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करता। तो पहला तरीका जो मैंने देखा है यूज़ करते लोगों को, मोबाइल पे भी या लैपटॉप पे भी यूज़ करते हैं, तो वो ये करते हैं कि ऑडियो और वीडियो को वो किसी ऐप के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू दो डिफरेंट लेयर्स बना लेते हैं। तो पहले उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उसी ऑडियो के साथ उन्होंने उसी ऑडियो को चला के कहीं पे तो एक रॉ वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो वो बेसिकली लिप सिंक होता है। तो अब उस वीडियो में वीडियो की जो वॉइस है उसको ज़ीरो करके ऑडियो की ओवरलैपिंग करवा के मैचिंग कर दी, ऑडियो और वीडियो दो अलग अलग लेयर्स बना के। तो ये एक मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है, बट जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो मुझे इस मेथड से थोड़ा सा ईजी लगता है। तो मेरा मेथड क्या है, मेरे वाले मेथड में भी मतलब जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ उसमें भी आपको ऑडियो फाइल तो अलग से ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बट एक ऐप है विवा वीडियो के नाम से। तो विवा वीडियो में एक फीचर होता है म्यूज़िक लेंस। तो म्यूज़िक लेंस में क्या है कि उस ऐप के अंदर ही आपकी जो ऑडियो है, जब आप उस ऐप में म्यूज़िक लेंस एक्टिवेट करेंगे या चलाएंगे तो कैमरा जो है वो चल जाएगा उस ऐप के थ्रू। उस कैमरा को ऑन करने से पहले जो भी ऑडियो आपने प्ले करना है तो उस ऑडियो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, उसका बटन प्रेस करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट का, तो वो जो आपकी ऑडियो फाइल है वो साथ उसके चलना स्टार्ट हो जाएगी और साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो जैसे ही कैमरा स्टार्ट होगा तो मुझे उसी ऑडियो की आवाज़ मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट देनी शुरू हो जाएगी, मतलब सुननी शुरू हो जाएगी, और साथ के साथ वो कैमरा भी चलता रहेगा। तो क्योंकि मुझे अभी ऑडियो की आवाज़ आ रही है तो उसके ऊपर मैं अपनी मिमिक्री या जो भी मिमिक्री नहीं लिप सिंक या एक्टिंग है वो कर सकता हूँ, तो वो मैं कर दूंगा। बट जो ऑडियो रिकॉर्ड होगा उस वीडियो में वो उस फाइल से डायरेक्टली रिकॉर्ड होगा, और वीडियो क्योंकि मैं मिमिक्री कर रहा हूँ तो वो सिंक हो जाएगा उसके साथ। तो इसमें क्या है कि जैसे ही वो ऑडियो ख़त्म होगा वीडियो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, और जो आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने ऑडियो चलाया था वो अच्छी क्वालिटी में उसके साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अभी आपको उसको
मतलब सिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर आप जो बजा रहे हैं, जो आपको सुन रहा है वहां से, तो उसको आप पहले से ही सिंक कर रहे हैं ड्यूरिंग योर प्ले, तो वो वीडियो एज इट इज सेव हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था जो मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि आप ये रिकॉर्डिंग जो है वो कैसे करते हैं। मैं अभी आपको उस ऐप का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी दिखाता हूँ। तो करना क्या है आप लोगों ने, सिंपली वीवा वीडियो ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। उसके अंदर जाके अलग अलग ऑप्शंस हैं, शूट की ऑप्शन पे जाना है आपने। तो शूट की ऑप्शन में जाके आपने म्यूजिक लेंस, शूट की ऑप्शन जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। मैं अभी आपको नजदीक आके एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने इसका जो कैमरा है वो एक्टिवेट कर दिया है। और इसमें आप देखिए ये जो म्यूजिक लेंस वाली ऑप्शन है, म्यूजिक लेंस, तो वो ऑप्शन मैंने एक्टिवेट कर दिया है, अभी ये कैमरा है। और यहाँ पे आपकी ऑप्शन आएगी जो आपने म्यूजिक सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट भी कुछ म्यूजिक्स हैं, अगर आप अपनी मर्जी का म्यूजिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी जैसे कोई भी आप देखें कि मैंने अपनी मर्जी का म्यूजिक है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो आपको सुनाएगा वो म्यूजिक और आपने ऐड कर देना है। अभी वो म्यूजिक यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अभी आप देखिए कि जैसे मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं ये देखिए अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों को आवाज आ रही होगी म्यूजिक की। तो अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इसके अंदर बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो इसको मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, रिकॉर्डिंग बंद करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई और ये मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं जो भी कमेंट्री कर रहा था वो बिल्कुल नहीं आई इसमें, और ऑडियो जो है वो एकदम वीडियो के साथ मिक्स होके सिंक होके रिकॉर्ड हो गया। तो फ्रेंड्स ये एक मुझे मेथड बहुत अच्छा लगा वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय अच्छी आउटपुट लेने के लिए ऑडियो की। तो जैसे मैंने एक पहले मेथड बताया था, वो भी जिनको एडिटिंग अच्छी लगती है कर सकते हैं, थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें कोई भी कुछ नहीं है, आपने ऑडियो रिकॉर्ड करना है, म्यूजिक लेंस में ऑडियो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट भी कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो उसको वहां पे लाके आपने सिंपली कैमरा का बटन ऑन कर देना है, और उसके बाद जो आपका मेन काम है वो है एक्टिंग, एक्टिंग करनी है आपने। तो जो भी आप एक्टिंग करेंगे वो वीडियो पे रिकॉर्ड होगी, और जो म्यूजिक उसके अंदर चल रहा है वो ऑडियो अच्छी क्वालिटी में एज इट इज रिकॉर्ड होता रहेगा। तो ये एक आपका, आप सभी लोगों का बहुत लंबे अरसे से ये क्वेश्चन था, क्वेरी थी, तो उसके ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाया। तो इसको ट्राई करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको ये जो फीचर है म्यूजिक लेंस वाला ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो और भी अगर किसी तरह की कोई आपके मन में शंकाएं हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप बेझिझक होके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय फॉर नाउ।